कोर्ट की सजा के फैसले के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त, अब रामपुर सीट पर होगा उपचुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज टाइम पर। मैं हूं आपके साथ रिहान अली और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासी चर्चे। आज सियासी चर्चा में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बारे में। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि नियम अनुसार एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153A के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। आजम खान के वकील विनोद दुआ ने कोर्ट की सुनवाई के बाद बताया कि आजम खान को अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। दरअसल ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। जानकारों के मुताबिक आजम खान के ऊपर आरोप था कि उन्होंने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इस भाषण को लेकर रामपुर के मिलक विधानसभा में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप था कि साल 2019 में रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस से की थी। अब देखना यह है कि आखिर किस कानून के तहत रद्द हुई आजम खान की विधायकी। देखने वाली बात यह है कि आखिर अदालत के किस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी विधायक या सांसद को किसी भी मामले में 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है। दरअसल मामला साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया गया था। कानून के जानकारों ने बताया कि आजम खान इस फैसले को लेकर निचली अदालत की शरण ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। यदि निचली अदालत इस याचिका को स्वीकार कर लेती है तो आजम खान के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा यदि कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर देता है तो फिर आजम खान हाईकोर्ट का रुख कर सकेंगे। हालांकि आजम खान 60 से 90 दिनों में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर कोर्ट इस फैसले पर स्टे नहीं लगाती है तो आजम खान को कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। आजम को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने वे चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना भी जारी कर दी है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। अब चुनाव आयोग रामपुर की रिक्त सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम जल्दी ही घोषित करेगा। 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान के सियासी करियर पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। सजा के बाद आजम खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी विधानसभा सदस्यता तो समाप्त हो ही गई है। ये कोई पहला मामला नहीं कि किसी विधायक की विधायकी या सांसदी खत्म हुई है। इससे पहले भी कोर्ट की सजा के बाद बीजेपी अयोध्या की कोसाईगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक खब्बू तिवारी को भी अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी। उन्नाव रेप कांड में दिल्ली की 30,000 अदालत ने बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी न केवल तुरंत चली गई थी बल्कि उनकी चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज 10। नमस्कार।